तो ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो आज हमारे पास फिर से एक बार मौजूद है दिवाली अनार बॉम्ब। तो गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने इस अनार बॉम्ब के ऊपर रखी थी एक बर्फ की सिल्ली और इस अनार बॉम्ब में उस बर्फ की सिल्ली में काफी आसानी से छेद कर दिया था। तो ऑल राइट गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास में यहाँ पर एक कोकोनट यानी कि नारियल देख सकते हो आप। तो गाइस आइडिया काफी सिंपल है, हम इस अनार बॉम्ब को सेट कर देंगे इस कोकोनट के नीचे कुछ इस तरीके से और फिर हम लगा देंगे इस अनार बॉम्ब में आग और फिर देखेंगे क्या होता है, ये जो अनार है क्या ये जो कोकोनट में छेद कर पाता है या फिर नहीं। आई थिंक गाइस ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, आप इस वीडियो के लिए लाइक बटन जरूर से दबा दीजिए। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो सेटअप है वो तैयार है। मैंने इस कोकोनट को यानी कि इस नारियल को सेट कर दिया है इस जुगाड़ के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो अनार बॉम्ब है वो रखा हुआ है। तो चलिए गाइस अब बारी है इसमें आग लगाने की और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं लगा देता हूँ इसमें आग। गाइस आप देख सकते हो जो हमारा अनार बॉम्ब है वो चल चुका है एकदम अच्छी तरीके से और नारियल की हालत यहाँ पर आप देख सकते हो। ओ माय गॉड गाइस, नारियल तो एकदम सही सलामत है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा इसकी जो बाहर की बॉडी है वो जल चुकी है, बाकी अंदर से तो ये इसमें बिल्कुल भी छेद नहीं हुआ है, देख सकते हो आप। तो गाइस एक बार में तो इस नारियल में छेद नहीं हुआ है, तो चलिए एक और बार ट्राई करते हैं दूसरी बार में इसमें छेद होता है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इसमें लगा दिए पूरे दो अनार बॉम्ब और भाई साहब ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा तो छेद हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल अंदर तक तो इसमें जो है छेद नहीं हुआ है, निकाल करके मैं आपको दिखाता हूँ साइड में। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अनार बॉम्ब लगाने से इसमें जो छेद है वो आर पार तो नहीं हुआ है, बाकी थोड़ा सा तो इसमें छेद हुआ है। ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में हमारा जो विनर है वो है एक कोकोनट। तो ऑलराइट गाइस, हम एक अनार बॉम्ब की मदद से एक कोकोनट के अंदर छेद नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आया इस वीडियो में मजा तो वीडियो के लिए लाइक बटन जरूर से दबा देना, चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।